सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलि अलग अलग समय पर अलग अलग भक्तों ने जो प्रश्न किया तो प्रभुपाद ने जो उत्तर दिया है वो ग्रंथ है। कहते प्रभुपाद कौन है? कहते राधा रानी की ये नयन मणि मंजरी। राधा रानी के आदेश को प्राप्त करते हुए इसी जगत में जीवों को उद्धार करने के लिए, यहाँ से अपना भगवत धाम को ले जाने के लिए, अपना घर में हमें कहीं से पहुँच जाए हैं? जब तक अपना घर में नहीं पहुँच, पास में जाए जहाँ पर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, कष्ट नहीं, बूढ़ा नहीं, बूढ़ी नहीं, बीमार नहीं, कोई मरता नहीं, वहाँ पर हम कैसे चले जाए, कैसे हम चले जाए? इसलिए हमको ले जाने के लिए ये प्रभुपाद आए हैं। अगर इनकी बात को सुनेंगे तो एक दिन जरूर हम ठाकुर के पास में जा सकते हैं, भगवान के पास में हम चले जाएंगे, अपना घर में हम पहुँच जाएंगे। देखना, विदेश जाओ जितने बढ़िया से बढ़िया सुविधा क्यों नहीं हो, बढ़िया सुविधा क्यों नहीं हो विदेश में, लेकिन अपना छोटी सी घर है, लेकिन अपना छोटी सी घर में आने पर जो चैन मिलती है ना, अब देखना बाहर जा कर के जितने बढ़िया से बढ़िया घर में हो ना, वो चैन नहीं मिलते। अगर अपना घर में आ जाओ, हम क्या कहते हैं, भैया घर में आ गया, अपना घर आ गया हमने। इसी दुनिया में ही देख लो, हाँ, उसी तरह जब तक हम असली घर पर नहीं जा चले जाते ना, यहाँ पर हमें जितनी सुविधा की फिर ठाकुर के पास में जा सकता हूँ। हाँ, यहाँ पर कृष्ण ने प्रश्न किया प्रभुपाद को, गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? जो घर में रहते हैं, अपना बीवी बच्चे परिवारों को लेकर के रहते हैं, उनका क्या कर्तव्य है? तो प्रभुपाद कहते हैं, निजेर सुखेर जन्य जत्न कर ले भोगी गृहव्रत होए पड़ते हवे। इसका मतलब है, कहते तीन तरह का गृहस्थ बताए, मतलब कि गृहव्रत, एक गृह मेधि और एक गृहस्थ, ये तीन है। मतलब गृह मेधि मतलब जो ये घर के बगैर और कुछ नहीं जानता है, बेटा बेटी नाती पोती दुनियादारी बस इसी में ही अपना जीवन बिता दिया, इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं, इनको भरण पोषण करो, इनको खिलाओ पिलाओ, मर जाओ, इसको कहते हैं गृह मेधि, जिनका दिमाग में केवल अपना बीवी बच्चे दुनियादारी की सफाई कुछ नहीं जानता है। दूसरा है गृहव्रत। गृहव्रत मतलब होता है घर को ही, इसको ही जीवन में जो व्रत बना लिया, इनके सिवाय दुनिया में और कुछ हमारे है ही नहीं, अपना बीवी बच्चे नाती पोती घर द्वार मकान, हाँ यही, और इसको ऊपर और कुछ दुनिया में कुछ है ही नहीं, यही हमारे बाल बच्चों को जन्म दे दो, उनको खिलाओ पिलाओ, बड़ा कर जा मर जा, इसके सिवाय जो कुछ नहीं जानते हैं, बस सवेरे उठ करके घर में हल्दी है कि नहीं, नमक है कि नहीं, तेल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, आटा है कि नहीं, आलू टमाटर है कि नहीं, इसका दिमाग बस सवेरे से लेकर के सोने तक दिमाग में यही घूमती है ना, और क्या चीज़ घूमती है दिमाग में हमारी, यही घूमती रहती है। इसलिए इन लोगों का तो गृह व्रत है और गृहस्थ है, गृह व्रत गृह मेधि। लेकिन यहाँ पर कह रहे भैया सचमुच से गृहस्थ कौन है, हैं जो सचमुच से गृहस्थ कौन है? तो यहाँ पर कहते हैं सचमुच से गृहस्थ वह है, कहते गृह उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन जथोचिता वासुदेव अर्पण साक्षात उपासित महामुनि। एक समय पंच पांडवों घर में श्री नारद जी आए, अभी पांच भाइयों की शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हो गए, परिवार हो गया सबके सब। जब नारद जी इनके घर में आए तो युधिष्ठिर महाराज उनको आसन देकर बैठाए, बोला आज तो हमारे धन्य भागे घर में नारद जी जैसे संत आए। संत क्यों आते हैं? हमें अच्छे ज्ञान अच्छे उपदेश देकर के भगवान को पास में हमें ले जाने के लिए आते हैं, तो हमारा तो आज भाग्य जग गया, नारद जैसे संत हमारे घर में पधारे। तो उनके चरण की पूजा करते हुए बोले नारद जी बाबा हम तो पांच भाई सभी का शादी हो गया, बाल बच्चे भी हो गए, आप बताओ हमें घर में कैसे रहनी चाहिए, हैं कैसे हमें रहनी चाहिए जो कि हमें संसार बंधने से मुक्त होकर के हम भगवान के पास में पहुंच सके। तो उत्तर प्रश्न किया तब नारद जी ये श्लोक कहते, बोले गृह उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन यथोचित, मतलब है जो घर में रहते हुए
सद मार्ग को द्वारा चले, ऐसे नहीं असद मार्ग में चोरी गुंडागिर्दी हैं लफेंगे उल्टा पुल्टा गंदी हैं, नहीं घर में रह करके सही सही धर्म पूर्वक जो अपना जीविका निर्वाह करे, धर्म पूर्वक अपना पैसा को कमाए, धर्म की मार्ग पर चले हैं, और करे क्या बोले वासुदेव अर्पण साक्षात, बोले जो कुछ करे भगवान के लिए ही करे। रसोई बनाओ किसके लिए बना रहे हो, भगवान के लिए। घर में झाड़ू लगाओ कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, भगवान के दरबार में। बच्चों को प्यार कर क्यों, कि भगवान की भक्त है, ये ठाकुर के संतान है, ये चूंकि भगवान की भक्ति करते हैं भजन करते हैं। स्नान करो क्यों, गंदे शरीर से ठाकुर की सेवा कैसे करेंगे, शरीर पवित्र होगा तभी तो ठाकुर की सेवा कर सकते हैं ना। इसलिए हर काम में कहते भक्तों का पैखाना पेशा हो जाना भी ये भक्ति, क्यों बोले भैया शरीर अपवित्र गंदा रहेगा तो हम ठाकुर की सेवा कैसे कर सकते हैं, इसलिए उनका पैखाना पेशा भी भक्ति है उनकी हैं, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं भगवान की सेवा की उद्देश्य से करते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अपना लिए कोई चेष्टा मत करो, अपना सुख के लिए कोई चेष्टा मत करो, किसके सुख के लिए चेष्टा करो, ठाकुर जी को कैसे हम खुश करेंगे, गुरु वैष्णव को हम कैसे खुश करेंगे, वो अगर खुश रहे ना तुम भी संसार में खुश रहोगे। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रधर उदाहरण देते हैं, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, बढ़िया से श्रृंगार करो और शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना इस शरीर को जैसे हम सजाएंगे परछाई भी वही सज जाएगी, परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ परछाई अपने आप सज जाएगी। मतलब क्या है, भगवान के नाम, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान को श्रृंगार, भगवान को भोग, ठाकुर जी को अब अच्छे तरह से खिलाओ पिलाओ, ठाकुर का सेवा करो ना, अगर ठाकुर खुश रहेंगे हम भी खुश रहेंगे। अगर घर में ठाकुर खुश नहीं है ना, तुम्हारे घर में जितने क्यों पैसा नहीं आ जाए, घर में जितना बढ़ो तो क्यों नहीं हो, जो कुछ क्यों नहीं हो, संसार में सुख नहीं रहेगा, क्यों भगवान सुख नहीं, जो घर का मालिक है ना वही खुश नहीं, तुम कैसे खुश रहोगे, जिसने तुम्हें दिया दुनियादारी घर परिवार, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया उसको ही जैसे जैसे तुम फेंक कर रख दे पुण्य में बैठा दिए उसको, उसको ही सेवा नहीं कर, फिर तुम कैसे सुखी रहोगे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भैया जो व्यक्ति अपना खुश के लिए कोशिश करता है ना, कहते तो भैया क्या हो जाता है, वो गृह व्रत है, ये घर ही बेटा बेटी नाती पोती यही व्रत है हमारी, इनको पालन करो खिला पिला मर जाओ, जिसने कर दिया कहते वो गृह व्रत हो गया, वो गृहस्थ नहीं। कहते कृष्ण सेवार्जन निखिल प्रयास कर ले मंगल हवे, कि जब हमारे सारे चेष्टा हैं हम जो कुछ करते हैं किसके लिए करें, बोले भगवान कृष्ण कैसे खुश करें, ठाकुर कैसे खुश हो, भगवान कैसे खुश हो, पहले ठाकुर जी को देखो, ठीक है ना, ठाकुर को कैसे खुश करें। कहते जरा स्त्री पुत्र गृह आत्मीय सज्जन सब छड़े सर्वत भावे अनुखन कृष्ण भजन कर छेन ताहा दिग के नाना भावे सहाज्य बा सेवा करार जने गृहस्थ भक्तन अनुखन जत्न कर थागवेन। कहते हैं महाप्रभु कल महाप्रभु ने बोले भैया दो काम करना, गृहस्थ होकर हमें दो काम करनी चाहिए, बोले दो काम क्या करनी चाहिए, बोले वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन द्वि कर शीघ्र भावे श्री कृष्णाचार्य, दो काम करो बस तुम्हारी उधार हो जाएगी। बोले पहला काम क्या करो, बोले वैष्णव का सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। भैया भक्तों कौन है, देखो कल वेश धारण करने पर नहीं होगा, भक्त सेवा करनी चाहिए, उनका देखो करते हैं क्या 24 घंटा में वो कर रहे हैं क्या, ऐसे नहीं वेश धारण कर लिया साधु का, कंठी माला तिलक पहन लिया, दिन भर अपना भोग लिया, भगवान की सेवा भक्ति में कोई चेष्टा नहीं, अपना खाओ पियो मस्त भजन, भजन से कुछ मतलब नहीं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना संपूर्ण साधु हुए हैं, जिसने संपूर्ण रूप में अपना स्त्री अपना पुत्र अपना घर अपना परिवार सबको छोड़ करके हैं कृष्ण भजन कर छे, जो भगवान की भजन कर रहे हैं जो भगन, अगर हम जैसे अपना बीवी बच्चे संसार में मस्त, अगर कोई वो भी अपना बीवी बच्चे संसार में मस्त है, फिर उनको सेवा करने से क्या लाभ, देखो उनका एक्टिविटी देखो करते क्या,
सचमुच से कि अपना स्त्री पुत्र घर द्वार छोड़े क्या नहीं है, हैं? इसलिए कृष्ण कहते ना सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापे मुक्षे साई माम से अर्जुन, तुम सब कुछ छोड़ करके एक पॉइंट केवल मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में आओ। बोले भाई पाप नहीं लगेगा, हमारे पे पाप नहीं लगेगा, आप कहते सब कर दूंगा, माँ सोचो कोई चिंता मत करो, संपूर्ण रूप में एक पॉइंट मेरे शरण में आ जाओ सारे पाप से। इसलिए शास्त्र कहता है जैसे जो कोई व्यक्ति जैसे घर द्वार पुत्र परिवार छोड़ दिए, सब के सब छोड़ दिए, भैया उनका भी तो पीछे कुछ कर्म है, जो संसार में जन्म लिया, जो पुत्र परिवार सब छोड़ करके एकांत की ठाकुर के भजन, उनका पीछे भी तो कुछ कुछ कर्म हैं, ये सब देवता इनका ऋणी हम सबके सब हैं देव, तब उसका ऋषि। अभी जो हम ज्ञान की बात सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति की बात, ये सब ज्ञान हमें किसने दिया है? ऋषि मुनियों का देन है। देवर्षि भूताप्त, भूता मतलब जी, संसार में आओ बहु लोगों से मदद लेना पड़ता है, हैं? बहु लोगों से हम लोगों ने मदद ली है, कहते उसका भी ऋणी है। फिर देवर्षि भूताप्त नृणा बोले राज ऋणी, क्योंकि जगत में अगर राजा नहीं रहेगा, जगत में अराजकता फैल जाए, मार मार काट काट होना शुरू हो जाएगी, कोई कोई किसी को बोलने वाला ही नहीं है, एक है राजा नहीं। उसके बाद में कहते फिर पिता माता की ऋणी है, कहते इतना इनकी तो इतना ऋणी, केवल कहते माँ की इतना ऋणी है, करोड़ों जन्म में माँ का ऋणी भी कोई नहीं चुका सकता, क्योंकि 9 महीना तो गर्भ में धारण करती, प्रसव पीड़ा करती हैं, मुँह के खाना निकाल कर बच्चे को खिलाती हैं, गिली में सो कर सुखा, इनका ऋणी तो कोई उतार ही नहीं सकते। फिर इतना सारे ऋणी रह गया, फिर कितने ऋणी को उतारोगे? लेकिन भागवत कहता है सर्वात्मना जह शरणम शरणम, जो व्यक्ति संपूर्ण रूप में ठाकुर जी की शरण में आ जाते हैं ना, गतम कुंदम परिहर्त कर्तव्यम, भगवान की शरण में आने से अपनी आप सारे ऋणी से वो अपने आप मुक्त हो जाता है, सारे ऋणी से वो अपने आप मुक्त हो जाता है। क्यों? विश्व ब्रह्मांड जो ऋणी लिया ठाकुर जी से, सारा दुनिया जो ऋणी लिया किसे लिया है? ठाकुर जी से ऋणी लिया। जब ठाकुर के शरण में आ जाए ना, कहते ना जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, उसको पर में सबके सब कृपा कर देते हैं, उसको परे सारे को सारे कृपा कर लेते हैं उसको पर में। इसलिए गुरुदेव एक छोटी कथा सुना देते थे, गुरुदेव कहते बोलते थे एक समय एक गांव में एक जमींदार कोई था, और वो जमींदार और गांव में एक गरीब व्यक्ति भी था। जो गरीब व्यक्ति ने उसने जो जमींदार व्यक्ति से 500 रुपया उन्होंने उधार लिया था, और उसी समय 500 रुपया की बहुत कीमत होता था। अभी ये दोनों गुरुजी के पास में कथा सुनने आते थे, कथा सुनते 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 जो गरीब व्यक्ति था ना, कथा सुनते सुनते उसकी मन इतने प्रभु के भजन भक्ति में गुरुजी की सेवा में लग गया, अभी वो चाहता है सब छोड़कर गुरुजी के शरण में आ जाए। एक दिन आया बोले गुरुदेव आपकी जब मैं कथा सुनता हूँ, हैं आप जो कथा सुनाते जीवन 84 लाख जन्म के बाद मिला, बारंबार ठाकुर देते ही नहीं, अगर ये जीवन अगर नष्ट हो गया फिर 84 लाख जीवन में भटकना पड़ेगा, इसी जीवन में ही भगवत प्राप्ति होगी, ये सब कथा सुनकर मेरे मन में इच्छा होता है आपका श्री चरण में आओ और आश्रम में रह करके आपकी सेवा करो। बोले अच्छी बात तू आ जा। बोले गुरुदेव एक समस्या भी है। बोले क्या समस्या? बोले मैंने 500 रुपया ना आपका जो दूसरा जो शिष्य है और जो पैसा वाले उससे मैंने 500 रुपया ऋणी लिया है, अभी अगर उसको ऋणी को नहीं करते अगर मंदिर में आ जाऊँ, बोले पैसा लग गया ऋणी और बन गया साधु, वो मेरे को छोड़ेगा नहीं फिर, अभी मैं क्या करूँ? तब गुरुदेव ने कहा बेटा कोई चिंता कर मत करो, वो मेरे भी शिष्य है, मैं जो बोलूँगा मेरे बात उसको सुनेगा, इसलिए तू आ जा, मैं उसको बोल दूँगा तुमको 500 रुपया जो ऋणी लिया वो छोड़ दे। वो आया शाम को जो पैसा वाले, तब गुरु जी ने कहा भक्ति प्रज्ञान के सेवक स्वामी महाराज ने बोले तुमसे अमुक व्यक्ति ने 500 रुपया उधार लिया है? बोले हाँ गुरु जी। बोले उसकी मन में इच्छा है वो मंदिर में आकर के गुरु जी की सेवा गुरु का सेवा करे, मतलब ब्रह्मचारी जीवन पालन करे, अभी तो उसको छोड़ दोगे 500 रुपया? बोले गुरु जी ये तो बड़ी कृपा हुई, मेरे मन में वैराग्य नहीं आया, मेरे मन में गुरु जी चरण में रह करके ठाकुर की सेवा के लिए अभी मेरी रुचि नहीं, अगर उसकी मन में इच्छा हो रही 500 रुपया क्या 5000 रुपया भी होता मैं इसको अपने आप छोड़ देता,
हो भाग्य कम से कम आपके शरण में आकर के सेवा करेगा तो ठाकुर तो मेरे ऊपर आशीर्वाद करेंगे। इसलिए गुरुदेव हम संपूर्ण उसको ठीक कर देता हूँ आकर भजन करें। गुरुदेव ये शिक्षा देते थे सारा दुनिया ऋणी किस में है, ठाकुर जी में। सारे विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी के चरण में ऋणी है। जब कोई व्यक्ति ठाकुर जी के शरण में आ जाते हैं ना, ये जितने सारे देवता है जगत में जितने ऋणी हैं सारे ऋणी से हम ऋणी से मुक्त हो जाते हैं। फिर उसको कोई ऋणी चुकाने का कोई जरूरत नहीं। एक ठाकुर जी की एक पॉइंट होकर के भजन करें। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो साधु स्त्री को पुत्र को घर को आत्मीय सज्जन को पूरा परिवार को छोड़ करके सर्वोत्त भाव में अनुखण कृष्ण सब समय जो भगवान के चरण में अपना मन को लगा कर रखे। कहते गुरु जी आप दुनिया की मालिक आप क्या नहीं जानते हो। आप सुने होंगे सत्ययुग में एक निरीघ नाम का राजा हुआ। हाँ वो तो पृथ्वी का सबसे बड़े दानी, पृथ्वी का धूल कण का कोई गिन सकता है लेकिन उनको दान को कोई नहीं गिन सकते हैं। जो गैया केवल एक बछड़ा दूध धार गैया जी ऐसे गैया को सींग को सोने में और खुर को, इसलिए इतना दान उन्होंने किया है, इतने दान किया लेकिन उसका फल क्या हुआ, गिरगिट। कितने लाख साल तक उसने सत्ययुग की कथा ये द्वापर लास्ट में इतना दिन तक उसने गिरगिट बन करके रहा। कल जो कर्मकांडी चीज है ना, हाँ ये जो कर्मकांडी चीज है भैया इससे जीविका मुक्ति नहीं होती है। इसकी थोड़ी अगर इधर उधर हो गया ना लेने का देना बढ़ जाता है। इसलिए जो भक्त लोग हैं ना ये पुण्य और पाप ये दोनों ही स्वर्ग जाओगे पुण्य खत्म होने फिर आओगे, पाप करके जाओगे नरक खत्म होगा तो फिर यहीं पर आओगे। लेकिन बोले तृतीय पंथा मुरारे वैष्णव लोग तीसरे पंथ को भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति। इसलिए भैया हमको जगत का जो दान पुण्य कर्म कांड में हमें नहीं फंसनी चाहिए, फिर तो जन्म मृत्यु का चक्कर में तुम भटकते रहोगे। इसलिए यहाँ कहते गृहस्थर मंगल हवे संसार से आसक्ति धीरे धीरे संसार का बंधन धीरे 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 हमारी खत्म होते रहोगी। जरा पारमार्थिक गृहस्थ अर्थात तो गृहस्थ वैष्णव तारा निज स्त्री पुत्र करें तद्रूप हरि सेवा जन्यो प्रचुर चेष्टा करें। देखो कहते गृहस्थ को जैसे हमारी परिवार भाई हैं संसार में जैसे हमारे आसक्ति दुनिया में हमारे जैसे आसक्ति है, जैसे संसार के लिए हम कुछ करते हैं स्त्री पुत्र परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, तो ठीक वैसे ही जो व्यक्ति गुरु वैष्णव भगवान के लिए भी जो करते हैं। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं संसार के प्रति वे आचय अमार सही मतलब जैसे हमारा बाल बीवी बच्चों में जैसे आसक्ति प्रीति ऐसे तुम्हारे चरण में भी प्रीति हो हैं, ऐसे तुम्हारी चरण में भी प्रीति हो हैं। इसलिए तारण प्रचुर परिश्रम करता है जैसे संसार के लिए ऐसे भगवान के लिए भी जो प्रचुर परिश्रम तद्रूप हरि सेवार जन्य हो प्रचुर चेष्टा करिया था कि निज स्त्री पुत्र कन्या प्रवृत्ति कर छे जान ले तादरे पोषण को हैं दूध कला दे करके सर्प जो सांप दूध कला खाता है अगर तुम दूध को सर्प अगर दूध कला दोगे ना एक दिन वही तुमको काटेगा, वही सांप ही तुमको काट कर खा जाएगी। मतलब है अगर तब भी संसार में परिजन के सेवा करो अगर वो प्रभु की भजन कर रहे तो, नहीं तो क्या होगा तुम्हारे जितने सारे हैं तो संसार करो किसका संसार, कृष्ण का संसार ठाकुर का संसार, बीबी बच्चे परिवार सबके सब ठाकुर का भजन करे भगवान के नाम करे भगवान की भक्ति कर बास वो भगवान के संसार है ठाकुर जी की ये संसार है। नतुबा कहते तादर संग प्रतिकूल भक्ति बोध जन तपा अगर वो भक्ति भजन नहीं करते ना फिर तो हमारे सब चेष्टा बेकार हो जाएगा, सब चेष्टा बेकार हो जाएगा। इसलिए आमी जखन प्रभु शास्त्र चाई अन्य ऊपर प्रभुत्व करते चाई तखन ही माया प्रकृति वसूत हो पड़े। कहते जिस समय हम स्वयं मालिक बनने कोशिश करते हैं प्रभु हम ही सब कुछ हैं प्रभु तुम अपना मालिकाना करना चाहते हैं
क्या होगा, तभी तुम माया में बसीभूत हो जाओगे। भैया मालिक तुम नहीं, मालिक कौन है? भगवान ठाकुर मालिक है। हम तो सबके सब सेवक है, ठाकुर जी की सब सेवक है। वर्तमान विपन्न मानव जातिर एकमात्र मंगलकर कृत्य होच्छे ऐ जे संसार, ऐ जे बोका मेरे हाथ पड़े छी ताहि तो उधार लाभ करे कृष्ण संसार प्रविष्ट हो। कहते अभी जो हम विपत्ति में पड़े हैं, जो संसार रूपी विपत्ति में हम जो फंस गए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? कहते हमारा कर्तव्य है, हम अभी बोका मेरे हाथ पड़े छी, मतलब अभी हम बोका हिंदी में क्या, हम अभी हम पुलिस है, पुलिस को क्या बोलते हैं, क्या है पुलिस, पुलिस मतलब बेवकूफ है, अज्ञानी। हाँ, इसलिए कहते हैं हम बेवकूफ अज्ञानी हैं। अगर तुम इससे उधर होना चाहते हो, क्या करनी चाहिए? हाँ, कृष्ण संसार प्रविष्ट हो, भगवान की संसार में प्रवेश हो जाओ, निष्कपट रूप में लगाएं। इसलिए कहते भैया सचमुच गुरु कौन है, गुरु कौन है? कहते हम कहते ना, हमारे गुरुदेव कौन? नित्यानंद प्रभु अभिन्न, बलदेव अभिन्न गुरुपाद पद्म। कहते ना बलदेव अभिन्न, नित्यानंद अभिन्न गुरुपाद पद्म। बोले कब वो गुरु नित्यानंद अभिन्न बलदेव अभिन्न कब? बोले तभी जैसे नित्यानंद प्रभु बलदेव, उनको जितने सारे चेष्टा हैं केवल भगवत सु के लिए, भगवत अभिन्न है, केवल काले गोरे हैं इतना, लेकिन सारे छत्र व्यंजन पादुका उपादान उनके वस्त्र सब कुछ भगवान की सेवा में लगा कर रखे। वो गुरुजी सचमुच से गुरुजी है, जिनकी सारे चेष्टा अखिल चेष्टा केवल भगवान की सेवा के लिए, हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें हैं? गुरुदेव ऐसे होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं आश्रय कर ले अन्य उपाय है ना, जे गुरु देवर कृपाए संसार तक उद्धार पावा जाए, सही गुरु की अभक्त अन्य विलासित कर्मी छल ना प्रपंच नास्तिक निर्भेद ज्ञानी वा जोगी हत्ते पारेन। परम पुरुष भगवान सर्वत भावी भक्ति विशिष्ट ना हले कि केह प्रकृत गुरु हत्ते पारे ना। इसलिए कहते भैया, कहते भैया गुरु जी के चरण में शरणागत होकर भक्ति करो। अभी कहते भैया गुरु जी की क्या लक्षण है, गुरु जी कैसे होनी चाहिए? कहते भैया जिनके हृदय में अन्य अभिलाष है, भगवान की भक्ति छोड़कर दूसरी अभिलाष जिनके हृदय में, वो गुरु नहीं। जो कर्मी है वो गुरु नहीं, जो अभक्त वो गुरु नहीं, जो छलन कपट युक्त वो गुरु नहीं, हाँ वो गुरु नहीं। और जो भगवान को निराकार मानते हैं निर्भेद ज्ञानी, वो भी गुरु नहीं। गुरु कौन है? कहते परम पुरुष भगवान है, सर्वत भावे भक्ति विशिष्ट। जो भगवान हैं इनको संपूर्ण रूप में उनके चरण में जिनकी भक्ति है, जिनको पर उनको पर संपूर्ण जिनके विश्वास है, हैं ठाकुर के प्रति जिनका विश्वास है, कहते वही व्यक्ति ही गुरु हो सकते हैं। गृहस्थ बा वैरागी प्रत्येक ही गुरु सेवाई प्रधान कर्तव्य। कहते गृहस्थ हो नहीं तो वैराग्य हो, हैं उनका क्या कर्तव्य? ऐसे जो गुरुदेव है ऐसे गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। श्री गुरुदेवेर श्री मुख विगलित हरि कथा सेवन मुख करने पहुँच ले चक्षुर अज्ञान तिमिर दुर्भूति है, तखन चक्षु निर्मल है, से निर्मल चक्षु ते कृष्ण दर्शन होते पारे। कहते कब हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं? कहते ऐसे जो गुरुपाद पद्म है उनकी मुखार बिंद से जो भगवान की कथा निकलती है, हैं वो जो कथा निकलती हैं, वो जो कथा जब हमारी कर्णम में प्रवेश करता है, प्रवेश करने पर क्या होता है? कहते हमारे आँखों का जो अज्ञान वो दूर हो जाता है। इसलिए कहते ना चक्षुदान दिलाजई जन्म जन्म प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। गुरुदेव क्या करते हैं? हमें वास्तव ज्ञान प्रदान करते हैं, वास्तव ज्ञान प्रदान करता है ये संसार क्या है, हम आए कहाँ से, जाना कहाँ। जब इनको ये कह रहे थे ये सब सबको है कौन, जब एक दिन सबके सब छोड़ना पड़ेगा, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी सबके सब गए, फिर एक दिन तो सब छोड़ना पड़ेगा, सब तो गए ही, फिर भैया तो थे कौन, लोग है कौन? अगर अपना असली होता तो हमें छोड़ कर क्यों गए फिर? इसलिए भगवान कौन है, माया कौन है, भक्ति कौन है, हैं ये प्रकृति कौन है, जो हमें ये वास्तव ज्ञान को प्रदान करके
हमारे दिव्य ज्ञान जो प्रदान करते हैं वो कौन है? कहते श्री गुरु दर्शन हैं। ऐसे ऐसे कहते तभी हमें जा करके कृष्ण दर्शन होता है। हमार प्रभुत्व इच्छा हमारे सर्वनाश रे कारण। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहते हमारे सर्वनाश का कारण क्या है, हमारा अमंगल क्यों हो रहा है? बोले एक ही कारण है, अपने आप हम मालिक बन बैठे। मेरे घर है, घर किसी ने, अरे मैंने कमाया ना, मैं कर रहा हूँ ना घर का, तभी तो संसार चल रहा है। इसलिए मैं करने वाले में, खाने वाले में, कर सब मैं। इसलिए बकरी मैं करता है, इसलिए मरता है। बकरी क्यों मरता है? बकरी को क्यों काटी जाती है ना? देखो ना बकरी मैं हम भी संसार में मैं इसलिए बोले मैं मेरा ते तेरी ये माया करने वाला मैं, ये सब कुछ मेरा है, ये घर दुकान सीखने सब मैंने बनाया, सब मेरा ही, मैं और मैं ते तेरी ये माया, इसलिए मैं नहीं करनी चाहिए, फिर तो बकरी जैसे मरना पड़ेगा हमें। इसलिए कद सर्वनाश का कारण यही है, मैं और मेरा नहीं। मैं कौन हूँ? गुरु जी की ठाकुर का दास हो। जितने वस्तु किसका है? ठाकुर जी का है, हैं? हम सबके सब ठाकुर जी के, गुरु जी के सब वस्तु ठाकुर जी का, गुरु जी का ही सब कुछ है, अपना नहीं है। इसलिए यदि स्वच्छाए श्रेय पथे चलते हई, संसार करते दौड़ाई, संसार निज व्यस्त हई, तब त्रिताप ज्वला अनिवार्य। श्रेय पथे चलते हई, संसार करते दौड़ाई, संसार निजे व्यस्त हई, तब त्रिपाप। कहते संसार में हमें फिर दुख कष्ट क्यों मिलता है? बोले तीन तरह का दुख हमें मिल रहा है, क्या? आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। ये तीन तरह का दुख हमें भोगना पड़ रहा है। आध्यात्मिक मतलब क्या है? जो हमारी मानसिक कष्ट, जगत में से कोई नहीं बोल सकते जो हमारी मानसिक कष्ट नहीं, तरह तरह का मानसिक कष्ट है। आदि दैवी के देवताओं को द्वारा जो दिया हुआ, आदि भौतिक जो भूतों से हैं, अभी जैसे मुसलमान हिंदू में लड़ाई पढ़ाई होती है, इसलिए एक जीव से दूसरे जीव को जो कष्ट है, सांप काट दे, मच्छर रात में सोने नहीं देते हैं, मच्छर काटते रहते हैं, हैं? रात को मच्छर क्यों काटते हैं? हाँ तो बोले भगवान ये तेरे जीवन सोने के लिए दिया, उठ हरि नाम कर, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। इसलिए मच्छर काटते उठो हरि नाम कर, क्यों जीवन को बर्बाद कर रहे हो, क्यों सो सो कर जीवन को बिता रहे, इसलिए मच्छर काटते है। सोना नहीं हरि नाम कर, ऑल आउट लगा करके हम सो जाते, नहीं तो मच्छरदानी लगा कर सोना ज्यादा जरूरी है। इसलिए यहाँ सारे में दिन भर इससे में अगर हम डूबे रहेंगे ना, फिर तो भैया फिर तो क्या होगा? संसार में तो ये सब दुख कष्ट तुमको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जब भगवान के लिए करेंगे, ठाकुर जी के लिए करेंगे, बोले भैया ठाकुर जी के लिए करते तभी तो दुख आता है। आप बोले कहते संसार में क्या दुख, ठाकुर जी के लिए तभी तो दुख आता है। देखो भक्त मोहन ठाकुर कितने बढ़िया बात बताए, हैं? कहते तुम्हार संसारी दुख है जत से परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नासया विद्या दुख। देखो इस चीज को गांठ बांध लो, कहते साधारण संसार में भी दुख भोग करते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भी तो कभी दुख दुख आता है, उनको भी तो कभी कभी संसार में कष्ट आता है। देखो इसमें कहते बोले हे प्रभु तुम्हारी संसार में, भक्तों का संसार ठाकुर का संसार है, बोले तुम्हारी सेवा में जो दुख कष्ट है ना, वो दुख कष्ट नहीं, वो परम सुख का कारण है। संसार में तो दुनिया के लिए कष्ट करते हो, दुनिया के लिए कष्ट करते हो, लेकिन जब भगवान के लिए कोई कष्ट करते हो, ठाकुर क्या नहीं देख रहे? ठाकुर क्या देख नहीं रहे तुम मेरे सेवा के लिए कितने कष्ट कर? ठाकुर तो बैठ बैठ के देख रहे, देखो दुनिया तो आप व्यक्ति के लिए कुछ काम करो वो व्यक्ति खुश होता है, अरे मेरे लिए उसने ये किया। लेकिन जब हम भगवान के लिए कष्ट सह करके भी जब हम ठाकुर को सेवा करते, ठाकुर क्या नहीं देख रहे?
वो सब कुछ देख रहे हैं, बैठ बैठ कर देखो मेरे लिए कितने कष्ट उठा रहा है मेरे लिए। इसलिए भक्तमणि ठाकुर कहते हैं तुम्हारी सेवा में जो दुख कष्ट होता है ना वो परम आनंद का कारण है। परम आनंद क्यों, हम भगवान कष्ट तो कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं किसके लिए, ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए हम कर रहे हैं। हाँ कहते थे तो परम सुख सुख का कारण है। कहते सेवा में जो दुख सुख है उसको जरा क्या होता है नाशय अविद्या दुख। भगवान के लिए सेवा करके कष्ट जो होगा वो तुम्हारी सारे जन्म जन्मांतर का पाप खत्म हो जाएगी। एक दिन ठाकुर जी क्या करेंगे अपना धाम में तुम्हें पहुंचा देंगे, अपना धाम में ले जाएंगे। इसलिए भगवान के भजन कीर्तन में जो दुख कष्ट, जमीरा ने भजन की कितना जीवन में कष्ट दुख कष्ट आया, कितने दुख कष्ट उसका जीवन में आया है, उनका पुत्र परिवार भाई बंधु सब नफरत कर दिए होंगे सब। उस दिन हम नरसिंह भक्त का कथा सुन रहे थे, नरसिंह भक्त का कथा सुन रहे थे हैं, नरसिंह भक्त का जीवन में कितने कष्ट आए, उन्होंने लास्ट में ठाकुर स्वयं हैं नरसिंह भक्त जो संपूर्ण भगवान की भक्ति करता था कितने लोग उसका विरोध हो गए, बोले इसका नाम बढ़ते जा रहे, जिन्हें हम नाम बढ़ते जा रहे इसको किसी तरह से नीचे गिराओ, किसी तरह से नीचे गिराओ। लेकिन जितना गिराने के लिए जा रहे हैं ना उसका नाम उतना ही उजाला हो रहा है, उतना लास्ट उसको उसने बेस्या भेज दिया है, एक व्यक्ति था उसको बेस्या भेज दिया। वो बेस्या ने उसको रात में आकर के उसको भ्रष्ट करने के लिए चाहा, लेकिन जब उसने नहीं चाहा बोले तुम जानते हो स्त्री क्या कर सकती है, सारे कपड़ा फपड़ा फाड़ फूड़ करके चित्कार करने लगा कोई हो तो मेरे को बचाओ, कोई है यहाँ पर, सारे लोग इकट्ठे हो गए, राजा दरबार ले गए, बोले महाराज ये साधु देखने में साधु लगता है, ये बड़ा दुष्ट है, देखो ये बेस्या को क्या उन्होंने किया, देखो कपड़े फाड़ दिए। लेकिन राजा सुना हुआ ये भैया भक्त है, बोले देखो अगर तुम ऐसे राग गाओ भजन गाओ, अगर ठाकुर केदार राग अगर उसके गले से अगर हम माला अगर टूट कर अगर गिर जाए ना फिर पता चलेगा तुम सही संत है। लेकिन उसको प्रतिज्ञा करा के किसने केदार राग को इनसे हाथ से लिखवा करके उन्होंने कर दिया था, केदार राग तुमने मेरे देख कर दे दिया और 200 रुपया तुमको दे रहा हूँ उसका विनिमय में, ये केदार राग तू नहीं गा सकते हो। लेकिन जब उसने ठाकुर को प्रार्थना किया ना वो कहाँ कापी में लिखा उसका साइन लिखा था, उसको कहाँ आलमीरा रखा था, वो सारे कापी खुल गया और वहाँ से टूट गया पेपर और उड़ते 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 उसको सामने आ गया। फिर उसने जब केदार राग को गाया तो केदार राग से कृष्ण के गले से माला टूट कर गिर पड़ा और वो माला जाकर के किसको, नरसिंह भक्त के गला में आ गया, उसकी गले में माला आ गई हैं उस गले में। फिर राजा को पता चला भैया सचमुच से सच्चा भक्त है, और जो बदमाश कर रहे थे ना बोले जेल में डाल दो दोनों को, मृत्युदंड दे दो। लेकिन ये संत है, बोले महाराज इनकी अपराध माफ कर दो, ये अज्ञानी है इनको अपराध को माफ कर दो। अभी नरसिंह भक्त की जो बेटी की जो बेटी बेटी का नाम क्या है, श्री नानी भाई, नानी भाई हैं उसका बेटी का नाम नानी भाई, अभी शादी दिया इसने तो सब छोड़ कर संत बन गया नानी भाई को हैं। उसने अभी उसका जो बेटी के समय आई शादी के लिए उसे तो सब छोड़ कर संत बन गए, ये जब गया मिलने के लिए बेटी से उनका परिवार से सास ननद बड़ा दुष्ट थे, सास बड़े दुष्ट थे इसलिए बड़ा सताया करते थे हर से उसको, सताया करते थे उनको। इसलिए जब गए मिलने के लिए बोले नहीं अगर दहेज नहीं देंगे ना भात नहीं भरेंगे, हाँ भात नहीं भरेगा तो हम मिलने नहीं देंगे। और बोले जो उसको निमंत्रण तो देनी चाहिए पिता को, बोले तो फकड़ बन गया सब दुनिया सब छोड़ दिया, पहले बड़ा पैसा वाला था, बोले ऐसे चीज लिखो हैं जो कभी दे ही नहीं सकता, फिर वो आएगा नहीं, फिर हमारा बदनामी सबको सामने आएगा, कुछ देगा नहीं, संत बन गया बदनामी, ऐसे लिख दो पर्चा लिख दो जैसे दे नहीं सकता है, इतना मन सोना इतना मन चांदी काजल, इतना मन हाँ काजल काजल इतना मन रोली उसने लिख कर भेज दिया, जरी की साड़ी हाँ, जरी की साड़ी इतने पूरा गांव के लिए जरी की साड़ी, लेकिन उसने ठाकुर के चरण में रख लिया। लेकिन जब उसने आया उसको तो मिलने नहीं दिया हाँ, उसको बेटी से मिलने नहीं दिया, तो इतने उसने ठाकुर जी को प्रार्थना किया, ठाकुर स्वयं ठाकुर जी आ गए, लक्ष्मी नारायण आ गए, लक्ष्मी नारायण आकर के उन्होंने ऐसे उन्होंने चमत्कार दिलाया, सोने चांदी की बरसात होने लग गया, सोने चांदी की बरसात होने लग गया हैं, इतनी बरसात हुई ना देख देख कर दंग हो गए। और उसका जो ननंद थी बड़े सताया करती थी, आ उसको जो मारा उसको मार मार हो गया, भाग गया तू हाँ तू मेरे घर से, इतना दिन से जो उसको विरोध कर रहे थे भगाए,
और इनका सबके सब अनुकूल हो गए। इसलिए मतलब भगवान की अगर विश्वास से उनकी भक्ति करते हैं ना, सचमुच से एक मन से भक्ति करते ठाकुर जी विपत्ति में हमारी साथ संपूर्ण देते हैं, बड़ी अच्छी कथा थी। हाँ बड़ी प्यारी कथा थी। इसलिए क्या कर रहे हैं, क्या करो, सारे चेष्टा छोड़ कर सब कुछ क्या करो, ठाकुर के लिए करो, भगवान के लिए करो। सूत्रा मन रे कथा ओ मन धर्मी लोकेर कथा ना सुने जा रहा सर्वगण भगवत सेवा करें तादर उपदेश सर्वत भाव श्रवण करो। तो यहाँ पर क्या करें, गृहस्थ भक्त कौन है, कहते सूत्रा मन रे कथा मन धर्म लोकेर कथा, जो अपना मन की बात, अरे हमारा मन ऐसे चाहता है, भक्ति भक्ति करने से क्या होता है, हमारा मन तो चाहता है, मन का कथा मत सुनो, गुरु वैष्णव शास्त्र कथा सुनो। और जो मन धर्मी लोग है, कोई कहते ना अरे सब क्या तिलक लंबे लंबे तिलक लगा कर कंटी लगा करके सब गली गली में घूम रहे हैं माला लेकर के, कोई काम धाम है ही नहीं, सब माला फाला लेकर दुनिया को दिखा रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं ना जो बोलने वाले, अब देखना कोई सिगरेट फूके गंदा काम कर डूब जाए उसको कोई उठाने वाले नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहे हैं भजन कर रहे हैं, जैसे मीरा को पीछे कुत्ता तक भी नहीं छोड़े, कहते जो भक्ति करते उसको भी सब लग जाते, कोई सिगरेट फूक रहा है शराब पी रहा है उसको कुछ बोलेंगे नहीं, उसको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु का भक्ति भजन करने लगे हाँ सब तिलक कटिला अगर घूम रहे हैं ये तो लोग बोलने वाले ना लोग है ना। महाराज जी की अभी उम्र नहीं है, बुढ़ापा में करना, इसलिए लोग बड़ी गड़बड़ी है, बोले कोई उम्र हो गया भक्ति करने का, हाँ अभी से कर रहे तिलक कंठ लगा दिया, लेकिन शराब पिए ना ये उम्र है, शराब पीने का उम्र, बचपन में शराब पिए कोई कुछ बोलेगा नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे भैया देखो ऐसे व्यक्तियों का बात को मत सुना करो, हैं प्रभु का भजन भक्ति दृढ़ पूर्वक ठाकुर की भक्ति विश्वास प्रभु भगवान की भजन करो, बस ठाकुर ही हमें रक्षा करने वाले, ठाकुर ही हमें देखने वाले हैं। असत संग से कहते ऐसे संगत से क्या रहो, ऐसे संगत से दूर रहने के लिए प्रभुपाद बताए। महाराज जी घर में ही ऐसे बोल रहे हैं तो उन्हें थोड़े कहा जाएंगे घर वाले। हाँ जो अज्ञान है बोलते हैं वो बच्चे कर देते, इनके एग्जाम में कुछ नंबर कम आए तो आगे घर में झगड़ा शुरू कर दिया कि इन्हें माला कराती है, इन्हें भक्त बनाती है, पढ़ने नहीं देती है, तू खुद ही कर ले, ये कर ले, वो ना खुद करे ना बच्चों को करने दे, तुम्हें अकेले करने से क्या फायदा, फिर भी कर बच्चे ने करा रही फिर भी और खुद नहीं करते हैं। वो होता है ऊपर नीचे होता है, तू कराती रहेगी ना कराती रहेगी अपने आप बच्चों को अपने आप सही हो जाएगा, कोई चिंता मत करो। फिर वो हरे कि मम्मी क्या रही माला के लिए, पापा कह रहे पढ़ने के लिए, माला बंद कर ये नहीं करता है, पबजी सबके सामने दिख रहा हूँ को जब पबजी है ना, अभी हम जहाँ पर गए थे ना वहाँ के बच्चे पबजी